क्या आपने कभी ये नूडल्स ट्राई करी है? नहीं करी है तो मेरी वीडियो को देखकर जरूर ट्राई कीजिए। थाईलैंड के फेमस पैड थाई नूडल, बहुत इजी तरीके से हम इसे बनाएंगे, प्लस इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है सारे नूडल्स से। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ी सी चीनी और नमक। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड कर देना है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे राइस नूडल्स, नॉर्मल नूडल्स हमें यूज़ नहीं करना है। सोक करेंगे या फिर आप बॉयल भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए इसे, और इसे निकाल देंगे पानी से, ठंडे पानी से वॉश भी कर लेना है ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। इसके बाद वोक या फिर कोई भी कढ़ाई जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें ऐड कीजिए तेल, थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची। ऐड करने के बाद इसे सौते कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तब जाकर इसमें ऐड करेंगे स्प्रॉट्स, इसे भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे वेजेस, अपने पसंद के आप ऐड कर सकते हो या फिर आप इसमें ऐड करो कैरेट, कैप्सिकम, बेल पेपर, यहाँ पे हम यूज़ किए हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, क्रंच रहना चाहिए हमारे वेजेस में। इसके बाद ही हम ऐड करेंगे हमारा सोक किया हुआ नूडल्स और प्रिपेयर सॉस। अच्छे से टॉस करके मिक्स कर लेना है। ये नूडल्स ना काफ़ी अलग है, तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार। हम यहाँ पे ऐड करेंगे नींबू का रस और क्रस्ड पीनट। पीनट को अच्छे से क्रश कर लेना है। आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हो या फिर मार्केट में भी इजीली मिल जाता है क्रस्ड पीनट। एंड ये हमारा टेस्टी नूडल्स रेडी है। सर्व कीजिए गर्मा गर्म। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टाइम फॉर कुक।